वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी तीसरी शपथ ले सकते हैं और इसके लिए एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में एक राय बन गई है। 7 जून को एनडीए नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनेगा और अगले ही दिन वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की अगली बैठक 7 जून को होगी। ये फैसला बुधवार यानी 5 जून को हुई एनडीए की बैठक में लिया गया। बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों की दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है कि 7 जून को एनडीए की अगली बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी तीसरी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी, जेडीयू और जेडीएस ने अपनी डिमांड सामने रखनी शुरू कर दी है। जेडीएस ने जहां कृषि मंत्रालय को लेकर अपनी डिमांड जाहिर की है, तो वहीं टीडीपी की नज़र परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मंत्रालयों पर है। साथ ही ये भी खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रह सकते हैं। वह एनडीए नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन में दावा पेश करने भी जा सकते हैं। नीतीश आज जेडीयू के निर्वाचित सांसदों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं।